आपके साथ दीक्षा भानुके। चेन्नई के एक स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टियों में जो असाइनमेंट दिया है वो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। दरअसल इस स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टी के लिए जो होमवर्क दिया है वो बच्चों के लिए नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए है, जिसे हर पेरेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस स्कूल के बारे में और उसके होमवर्क के बारे में। वजह बस इतनी कि उसे बेहद सोच समझकर बनाया गया है। इसे पढ़कर एहसास होता है कि हम वास्तव में कहाँ आ पहुंचे हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अन्नाई वॉयलेट मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया है, जिसे हर एक पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 महीने आपके बच्चों की देखभाल करके हमें अच्छा लगा। आपने गौर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना बहुत ही अच्छा लगता है। अगले 2 महीने उनके प्राकृतिक संरक्षक यानी आप उनके साथ छुट्टियां बिताएंगे। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे ये समय उनके लिए उपयोगी और खुशनुमा साबित हो। अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना जरूर खाएं। उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि अपना खाना बेकार न करें। खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें। इस तरह से कामों से बच्चे मेहनत की कीमत समझेंगे। उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें। उन्हें उनके लिए सब्जी या फिर सलाद बनाने दें। 3 पड़ोसियों के घर जाएं, उनके बारे में और जानें और घनिष्ठता बढ़ाएं। दादा दादी नाना नानी के घर जाएं और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनके साथ तस्वीरें लें। उन्हें अपने काम करने की जगह पर लेकर जाएं, जिससे वो समझ सकें कि आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। किसी भी स्थानीय त्योहार या स्थानीय बाजार को मिस ना करें। अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए बीज बोने के लिए प्रेरित करें। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। अपने बचपन और अपने परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं। अपने बच्चों का बाहर जाकर खेलने दें, चोट लगने दें, गंदा होने दें। कभी कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है। सोफे के कुशन जैसी आराम की जिंदगी आपके बच्चे को आलसी बना देगी। उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चिड़िया या मछली पालने दें। उन्हें कुछ लोकगीत सुनाएं। अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर आएं। अपने बच्चों को टीवी मोबाइल फोन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखें। इन सब के लिए तो उनका पूरा जीवन पड़ा है। उन्हें चॉकलेट जेली क्रीम केक चिप्स गैस वाले पेय पदार्थ और पफ्स जैसी बेकरी प्रोडक्ट और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ देने से बचें। अपने बच्चों की आंखों में देखें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया। अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे। माता पिता होने के नाते ये जरूरी है कि आप अपना समय बच्चों को दें। अगर आप माता पिता हैं तो इसे पढ़कर आपकी आंखें नम जरूर हुई होंगी, और आंखें अगर नम हैं तो साफ वजह है कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीजों से दूर हैं। इस असाइनमेंट में लिखा एक एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो ये सारी बातें हमारे जीवन शैली का हिस्सा थी जिसके साथ हम बड़े हुए, लेकिन आज हमारे ही बच्चे इन सब चीजों से दूर हैं, जिसकी वजह हम खुद हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।